अब यहाँ पर हमारा स्प्रोकेट है। स्प्रोकेट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ये खाद का स्प्रोकेट है और एक ये बीज का स्प्रोकेट है। इसको हम आइडलर पिनियन बोलते हैं, जिससे कि हमको चेन को टाइट करने में हमको सहायता मिलता है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि सफाई करके हम इसमें वाइल केन से वाइलिंग करेंगे। तो वाइल केन से वाइलिंग करने के लिए आप देख सकते हैं कि इस टाइप से आप एक वाइल केन रखें। वाइल केन में आप 2040 का मोबिल अगर मिलाते हैं, इसमें बहुत लोग करते क्या है कि जला हुआ मोबिल यानी उपयोग किया हुआ मोबिल रखते हैं। अगर ठीक ढंग से अगर वाइलिंग करना हो तो इसमें नया मोबिल का प्रयोग करना चाहिए, इससे हमारा चेन वाइली रहेगा। उसके बाद ये हमारा बीज बॉक्स है और ये हमारा आगे का खाद का बॉक्स है। अब खाद में आप देख रहे हैं कि इसमें ऑगर लगा हुआ है और यहाँ पर इसको कहते हैं कि एजिटेटर टाइप का, स्लाइडिंग ओरिफिस एजिटेटर टाइप का ये हमारा मेटरिंग मैकेनिज्म है। और इसमें जब हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद इसको अच्छी तरह से धुआई धुलाई कर देना चाहिए, क्योंकि केमिकल अगर कहीं रह जाता है तो हमको इसको घूमने में दिक्कत करता है। यहाँ पर भी शाफ्ट में कुछ बूश बैरिंग लगा हुआ है जिसमें कि वाइल केन से वाइल करना चाहिए। वाइल केन से यहाँ पर वाइल करने के लिए आप यहाँ से आप इस टाइप से आप यहाँ पर बूश पर तेल दे सकते हैं। इससे आपका पिनियन जो है ठीक ढंग से मूव कर सकेगा, यानी स्लाइडिंग ओरिफिस टाइप का जो ये मेटिंग मैकेनिज्म है वो ठीक ढंग से चल पाएगा। अब यहाँ पर आता है, जैसे हमारा यहाँ पर भी है बूश, यहाँ पर बूश बैरिंग में हम यहाँ से हम देंगे इस टाइप का। इसमें भी हम ग्रीस गन से ग्रीस देंगे और ग्रीस देने के बाद हमारा ये शाफ्ट ठीक ढंग से चलेगा।